हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पहली बार इलाहाबाद में हाजिर होंगे। विधायकों सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में चल रहे चार विचाराधीन मुकदमों की फाइल स्पेशल कोर्ट में लगी हुई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर माननीय सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में पूर्व सांसद, सांसद, पूर्व विधायक, विधायक पर चल रहे आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हो रही है, जिसमें प्रदेश भर के नेताओं की पेशी हो रही है। नेताओं के आपराधिक मामलों के जल्द निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है, जिसमें जज पवन तिवारी के सामने मुख्तार अंसारी पेश होंगे। विशेष न्यायाधीश पवन तिवारी ने माननीय नेताओं पर चल रहे सभी मामले में खुद आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आरोपी जेल में बंद है, प्रशासन उन सभी की पेशी कराना सुनिश्चित करे। जिन मुकदमों में आरोपी जमानत पर रिहा है, उन आरोपियों को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है। मऊ जिले में राज्य बनाम मुख्तार अंसारी, राज्य बनाम राकेश पांडे, राज्य बनाम ब्रजेश सोनकर, राज्य बनाम राम दुलारे के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। स्पेशल जज पवन तिवारी ने आदेश दिया है कि माननीय सांसद और विधायक गण मुकदमे के तत्काल निस्तारण में पूरा सहयोग करें और प्रशासन उसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने दे। बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है, जहां से उन्हें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाहाबाद लाया जाएगा। जिला न्यायालय में बनी स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। इस दौरान कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था खुद आला अधिकारियों के हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आई इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।